जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ रेजियो सेलेक्टिविटी इन मार्कोनिकोव्स रिएक्शन। पहले वीडियो में हमने जाना था कि मार्कोनिकोव रूल में रेजियो सेलेक्टिविटी कैसे दिखाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वही रेजियो सेलेक्टिविटी कितने टाइप की होती है। मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन सॉस डिफरेंट डिग्री ऑफ रेजियो सेलेक्टिविटी। आपको भी बताया था कि मार्कोनिकोव रिएक्शन के अंदर जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो आप पाएंगे यहाँ पर कि जो डिग्री ऑफ रेजियो सेलेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको कई तरह से देखने को मिलेगी, जैसे कि हाई डिग्री ऑफ रेजियो सेलेक्टिविटी, मॉडरेट रेजियो सेलेक्टिविटी या फिर नो रेजियो सेलेक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ड्यूरिंग मार्कोनिकोव्स एडिशन। बच्चों हम यहाँ पे आपके साथ तीन एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ रेजियो सेलेक्टिविटी को लेके। पहला जो है वो है एडिशन ऑफ आइसोब्यूटीन विद HBr, इट शोज हाई डिग्री ऑफ रेजियो सेलेक्टिविटी। इस रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर रेजियो सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि एक जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज्यादा बनेगा और दूसरे वाला बहुत बहुत कम बनेगा। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ में कंबाइन हो रहा है। ये रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और इस पर Br पे पार्शियल नेगेटिव होता है, नेगेटिव फ्रेगमेंट देगा आपको ये। इस रिएक्शन के अंदर दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो बच्चों पहली पॉसिबिलिटी ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट करे, तो मैं इसको यहाँ पे 1 मेंशन करूंगा, रूट 1, पॉसिबिलिटी 1। और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वे इस वाले कार्बन पे शिफ्ट करें, इसको बोलेंगे पॉसिबिलिटी 2। तो ये ऐसा हम लोग मैकेनिज्म में डिस्कस कर चुके हैं पहले पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए कि जब इस कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा, दिस कार्बन विल बी नेगेटिवली चार्ज, इस पे आपका H आएगा, क्लियर है, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा एंड दैट कार्बन विल बी आर पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम रूट 1। तो अगर आप पहली पॉसिबिलिटी या रूट 1 से जाते हैं तो यहाँ पे आपको टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर रूट 2 से जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाएगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे आपका एच कंबाइन हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बचेगा और इस वाले कार्बन पे टर्मिनल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इट विल बी प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम रूट 2, क्लियर है आपको। अब आप देखिए कि यहाँ पे रूट 2 और रूट 1 से बने जो कार्बोकैटायन है ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो टर्शियरी वाला होगा, और टर्शियरी कार्बोकैटायन में यहाँ पर HBr का बचा हुआ नेगेटिव पार्ट कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पर भी Br कंबाइन होगा, लेकिन इन दोनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। टर्शियरी जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबल है और ये वाला लीस्ट स्टेबल है, अगर हम लोग स्टेबिलिटी के स्केल पे इनको कंपेयर करते हैं। और आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स को फेवर करेगा, ये बहुत ज़्यादा बनेगा कैटायन और ये कैटायन बहुत कम बनेगा, इसलिए Br का एडिशन यहाँ पर ज़्यादा होगा, इसकी यील्ड बहुत ज़्यादा होगी और इसकी यील्ड कम होगी, टर्शियरी हैलाइड विल बी मोर इन यील्ड। तो आप देख पा रहे हैं कि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये रिएक्शन कहलाती है हायर डिग्री ऑफ रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब लेते हैं बच्चों दूसरा एग्जांपल, एडिशन ऑफ 2-methyl-2-butene विद HX। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जो रेजियो सेलेक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की, और जब यहाँ पे HBr का H+ पार्ट इलेक्ट्रोफाइल पार्ट यहाँ पर इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे ऐड होगा तो उससे हमको कुछ ऐसे दो कार्बोकैटायन दिखाई पड़ेंगे, टर्शियरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन। दोनों की स्टेबिलिटी को अगर कंपेयर करें तो दोनों की स्टेबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों की स्टेबिलिटी कंपेरेबल है यहाँ पर। और जब स्टेबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो Br- या यहाँ पर जो हमारा ब्रोमाइड फ्रेगमेंट है जब वो कंबाइन होगा तो दोनों पे जाएगा। दोनों पर जाने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे ब्रोमाइड बनेंगे, जो हमारे आइसोमर होंगे, उनकी यील्ड में, उनकी अमाउंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों की यील्ड कंपेरेबल रहेगी, इसीलिए इस रिएक्शन की रेजियो सेलेक्टिविटी जो होती है वो लेसर कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा
कि अगर कोई रिएक्शन आपकी लेसर या लेस रिजियो सेलेक्टिव इन नेचर है तो वहां पर बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में अंतर काफी कम होगा, जैसे टर्शरी सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी और प्राइमरी। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। यहाँ पर 2-pentene का रिएक्शन HX से कराएंगे या HBr से कराएंगे, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की दो पॉसिबिलिटीज है। दोनों पॉसिबिलिटीज में शिफ्टिंग के बाद यहाँ पे H प्लस जो है वो कंबाइन हो जाएगा और हमको दो ऐसे कार्बोकैटायन दिखाई पड़ेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सेम होगी, इसलिए आप कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ 2-pentene विद HBr और HX इज नो मोर रिजियो सेलेक्टिव इन नेचर। इस रिएक्शन की रिजियो सेलेक्टिविटी जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे बनने वाले कार्बोकैटायन सेम है। तो बच्चों, आज की वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि रिजियो सेलेक्टिविटी को आप मार्कोनी कोम में कैसे बता सकते हैं कि वो कौन सी टाइप की है, हायर रिजियो सेलेक्टिविटी है या फिर लेसर रिजियो सेलेक्टिविटी है या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे रिजियो सेलेक्टिविटी होगी ही नहीं। तो किसी भी रिएक्शन में आप इजीली बता सकते हैं डिग्री ऑफ रिजियो सेलेक्टिविटी।